घर में नैना से कोई बात नहीं करे, बातचीत बिल्कुल बंद। अरा ये हमारा आप लोग आदेश समझिए, आदेश। यहां से नैना की पहली सजा शुरू हो। आज कौन सा दिन है? अरे कोई सा भी दिन हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो बस ये सोच रहे हैं ये कौन सा दिन आ गया जो दोनों भैया भाभी एकदम मौन व्रत धारण किए हुए हैं। ओह क्या खुला आसमान है, हरे भरे पेड़, वाह क्या ठंडी हवा चल रही है। हम तो एकदम झूठ बोल दिए, कांच तो बंद है, एसी चल रहा है इसलिए ठंडी हवा चल रही है। कोई ना कोई बात तो जरूर है, गायक अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए, या तो तानपुरे का तान खराब है या फिर ढोलक पर पड़ने वाली थाप से ढोलक फट गया है। आप कुछ देर शांत नहीं बैठ सकते हैं क्या? क्या भैया जी कैसी बातें करते हैं, अरे बचपन से बकबक का आदत है तो अब कैसे चुप हो जाएं, और वो भी तब जब आप साथ में हो। जरूर आप लोगों में गुस्सा गुस्सी हो गया, तभी शांत हवा चल रही है। और हमको लग रहा है कि अंदर बहुत बड़ा तूफान आया है। सुनिए पुनीत भैया और नैना भाभी, आप भी, आप दोनों एक दूसरे को सॉरी नहीं बोल सकते ना, तो कोई बात नहीं हम बोल देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ से सॉरी, और कह देते हैं कि भूल चूक लेनी देनी माफ, अब खत्म करिए ये झगड़ा।
तुमको मालूम है कि आज तुमको कितना दुख पहुंच रहा होगा। नैना, तुमको लग रहा होगा ना परिवार के सभी लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार काहे कर रहे हैं। हाँ बुआ जी, ये बात तुमको समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन सा गलती कर दी बुआ जी कि घर के सभी लोग हमसे आंख फेर लिए। बताइए ना बुआ जी। मत रोने ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाने ना, रो मत। नैना, तुमको मालूम है कि तुम्हारे पीछे यहाँ इस घर में काका हुआ। भाई साहब ने तो पूरे घर को चेतावनी दे दी कि कोई भी मेंबर तुमसे बात ना करे। हम तो इस बात का विरोध करना चाहते थे लेकिन हम भी डर के रह गए। इस घर में जो कुछ भी हुआ हमको अच्छा नहीं लगा। लेकिन तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कहे कि अन्याय हमको बर्दाश्त नहीं होता है ना। और फिर नैना, जब पुनीत तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कोई कहाँ बिगाड़ सकता है, बोलो। अब तुम कोई मामूली लड़की थोड़ी ना हो। देखा ना अखबार में कितनी बड़ी फोटो छपी है तुम्हारी, पुनीत से भी बड़ी। ये तो गलत हो गया बुआ जी। कहाँ पुनीत बाबू और कहाँ हम, उनके सामने हम कहाँ हैं? तुम बहुत कुछ होने ना, हमको तो पूरा विश्वास है कि तुम बहुत नाम कमाओगी, वो भी उम्मीद से भी ज्यादा। हमारी मानो तो बताएं, यही सही वक्त है, अपने आप को दिखा दो। कुछ जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जीवन की शुरुआत इतना अच्छा से हुआ लेकिन तुरंत उस पर किसका नजर लग गया। पुनीत बाबू पहले तो ऐसे नहीं थे, अपने से ज्यादा वो हम पर ध्यान देने लगे थे, कितना प्यार बरसा रहे थे। अब अचानक क्या हो गया उनको? भगवान को हमारा जीवन में दो दिन का भी सुख देखना अच्छा नहीं लगा। ये कैसा न्याय कर रहे हैं भगवान? हमको कम से कम दुख सहने की शक्ति तो दे दीजिए। अरे भैया जी, आप यहाँ? अरे हमारे कमरा पर आप? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते हैं क्या? ना ना, आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, वहाँ भी बैठ सकते हैं, आप आराम भी फरमा सकते हैं। बस बस रहने दो। ये ऐसे क्या देख रहे हैं? आपका साइकोलॉजी रीड करने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको परेशानी क्या है। देखिए भैया, आंख से आंख छुपाने का मतलब ये है कि आपको कौनों न कौनों परेशानी है। देख रहे हैं बहुत दिनों से आप और भाभी दोनों उखड़े उखड़े हैं एक दूसरे से। खुशी छुपाने से छुप सकती है भैया जी, लेकिन दुख नहीं। दुख छुपाए नहीं छुपता, उसके निकलने के कई रास्ते हैं। आप अपना काम कीजिए ना भैया जी। ऐसा कौन सा परेशानी, ऐसा कौन सा दुख है जो आप हमें नहीं बता रहे? लेकिन
दुख बताने से दूर भी होता है और उसके उसके निकलने के रास्ते भी खुलते हैं। मैंने कहा ना आपसे, आप अपना काम कीजिए। ना भैया जी, ऐसा नहीं कह सकते आप। इतने सालों से आया आपके साथ, ऐसा कौन सा परेशानी है आपको बताना पड़ेगा भैया जी। अरे बस चुप करिए आप, और आप जाइए यहां से। ओ, अब समझे आपका परेशानी का है। आपको भाभी का इस तरह से गाना गाना, उनकी कामयाबी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप ये कहना चाहते हैं कि हमें नैना से ईर्ष्या होने लगी? हाँ। हम उससे जलते हैं? हाँ। वो हमसे अच्छा गाती है? आप अपनी औकात बोल रहे हैं राजबाबू। आप जो हैं वही रहिए। आप जाइए यहां से। मात्र दो दिनों में नैना आपकी आंखों में बस गई है। हम अपनी औकात बोल रहे हैं, गलती हो गई हमसे। ये नहीं पूछना चाहिए था हमें आपसे, नहीं भूलेंगे। अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जरा सी बात इतनी बड़ी बात बन गई कि हमारे विश्वास पर भारी पड़ गई। अब क्या करें हम? इस तरह घुट घुट कर कब तक जी पाएंगे हम? अब तो अच्छा ये होगा कि हम यहां से चल जाएं अपने माँ बाबूजी के घर, हमको भी शांति मिलेगा और यहाँ परिवार वालों को भी शांति मिल जाएगा। नैना, हेलो, कैसी है मेरी बिटिया? अरे क्या हो गया, रो काहे रही है? नहीं माँ, बस आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आने का मन कर रहा है। माँ, हमको कुछ दिन के लिए वहां बुला लीजिए ना। अरे हमरी लाडो, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हम कल ही तो हर मामा को भेज देते हैं, उनके संग आ जाना। यहाँ रहेगी बिटिया तो तुम्हार मन भी बहल जाएगा। और रोना कभी नहीं, अभी तो हर माँ जिंदा है, ठीक है? ठीक है माँ, हम कल मामा जी का इंतजार करेंगे। ठीक है हमरी जान, हमरी लाडो, हमरी बिटिया। हम तो सोच रहे थे कि पैसे के लिए बैंक जाना पड़ेगा, यहाँ तो बैंक खुद ही हमारे पास चली आ रही है। आवा, 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 आवा। हमें माफ कर दीजिए नैना, हम उस दिन कुछ ज्यादा ही उखड़ गए थे, जबकि इसमें आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। आप तो गाना भी नहीं चाहती थी, हमारी जिद करने पर आप गाने गाने के लिए तैयार हुई थी। एक्चुअली हमसे बर्दाश्त नहीं होता अगर कोई आपके साथ खड़ा भी हो तो। इसमें हमारी ईर्ष्या या नफरत नहीं है, हमें लगता है कि
हमारी नैना सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हम एकदम अकेला महसूस कर रहे थे जी, यही से माँ को फोन कर दिया। हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब कल मामा जी आ रहे हमको ले जाने, क्या करें हम? कोई बात नहीं, कुछ दिन आप अपने मायके चले जाइए तो आपका मन भी बहल जाएगा, लेकिन आप वहां ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे। हम एक या दो दिन में आपको लेने आ जाएंगे। लो, फिर से आ गया भीख मंगा। कौन? भास्कर, नैना के मामा। आ गया मनहूस को ना मनहूस खबर लेके। रुकिए बाबूजी, अभी मैं बाहर से उसको सलटा के आता हूँ। ठहरो, बैठिए बैठिए। सवेरे सवेरे इतना गुस्सा नहीं करते, बैठ जाइए। बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं, काहे को चिंता कर रहे हैं, आने दीजिए देख लेंगे। अरे प्रणाम पंडित जी। ठीक है ठीक है। अरे दूर रहिए। अरे दुलारी गुरुदेव। जीते रहो। भोले शंकर और लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और साथ में आपका भी। बैठो बैठो जी। अरे हो गया, बैठिए बैठिए। अरे भैया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। वो नाम क्या था आपका, हम भूल गए जी। भास्कर। भास्कर जी। भास्कर जी, हाँ जरूर कोनो मनहूस खबर लेके आए होंगे जी। ना ना ना, वो कहा है ना कि हम अपनी भगिनिया को लेने आए हैं विदाई कराने। दीदिया बोली कि मन नहीं लग रहा है तो उसको लेते आप जी। कब? अपने लोग के तो अब ही है। अच्छा अभी? हाँ हाँ, बिस्किट खाइए। <ना, laughs> रास्ता दूर है। तो पंडित जी, अगर अपने लोग की आज्ञा होके तो इसमें झिझकने वाली कौन सी बात है, ले जाइए। अरे ठीक है ठीक है। नैना, तुम का मायके जा रही हो? नैना, तुमने गलत समय चुना है। अरे ये वक्त मायके जाने का नहीं है, अपने आप को साबित करने का है। बुआ जी, अब अपना लोगन के सामने हम खुद को कहाँ दिखाएं और कहाँ साबित करें? हम जैसन भी हैं, एक घर की बहू है, तो यहाँ का मान सम्मान भी तो हम ही को रखना है ना। और अभी जो भी लोग हम पर गुस्साए हैं वो गलत नहीं है, हम उनको गलत नहीं मानते हैं। कौनो न कौनो वजह तो जरूर होगा। मानो नैना, हम दिन रात
तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं। अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन यही सच है। और हम तुमको एक सलाह देना चाहेंगे कि तुम अभी यहाँ से मायके मत जाओ। अरे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हुए हैं उनको जवाब देने का बस यही एक तरीका है कि तुम अहिजे पे डटे रहो, समझी? नहीं बुआ जी, हमको कौनों से भी कोई शिकायत नहीं है। बस हमरा बहुते मन कर रहा है माई बाबूजी से मिलने का, यही से जा रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये निर्णय तुम्हें नुकसान पे नुकसान झेलना पड़े। कुछ भी हो बुआ जी, बाकी अब हमको मत रोकिए, हमको जाने दीजिए। अच्छा ठीक है नैना, तुम जैसा चाहती हो वही करो ना। चलो हम चलते हैं। तो तैयारी हो रही है, देखिए नैना, हम आपको जाने तो दे रहे हैं लेकिन जल्दी लौटने के लिए। आप कहीं ऐसा मत करिएगा कि उधर ही पालथी मार कर बैठ जाइए, क्योंकि हमारा यहाँ पर समय काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सचमुच नहीं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। अरे सुनो सुनो, खुशखबरी है इस घर के लिए, मनोज जाने के लिए तैयार हो गई है ना, खुशी की बात ना? माया जरा धीरे बोलो, पुनीत सुन लेगा तो पूरा मानेगा। पुनीत सुन लेगा तो क्या होगा, वैसे भी वो कान से बहरा हो चुका है। वो लड़की की आवाज के सिवा उसे किसी और किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अच्छा हुआ वो लड़की जा रही है, कम से कम वो लड़की के जाने के बाद शायद हमारी आवाज सुन ले। माँ जी, हम जा रहे हैं। जाए ना। रदिया, जा इनको गाड़ी तक पहुंचाई क्या? रधिया, क्या बोला सुना नहीं? जाओ यहां से लेकर के इनको। Thank you.
अपना फिर दिल आ गया। ये आए माए दिल आ गया। आहिर दादा। नैना में सपना, सपनों में नैना। ऐसा कहे देख रहे हो? कौनो अजूबा लग रहा है क्या? नहीं ना, सच में आ रही है क्या? तो इसमें झूठ की कौन बात है? भास्कर लेने गया है, तुझे पता तो है? वो पता है, लेकिन कभी कभी नाम को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। करती क्या हो, कहती क्या हो? हाँ, तुम दोनों भाई भी कम नहीं हो। जाते हो दरभंगा, पहुँच जाते हो खगड़िया। अब ये बोलो ना, तीनों एक ही जैसे कोई किसी से कम नहीं है। अब चुप रहे, नैना को लेकर आता ही होगा। पूरी हलवा। एक बात बताओ, बिटिया का आने खुशी में कि कोई और मामला है? तुम्हें आज तक कौन ऐसा दिन याद है जब हमने नैना की खुशी के लिए कौन काम किया हो? वही वही हमको आश्चर्य लग रहा था। अब समझ गए दीदिया, कुत्ते की पूछ सीदा हो जाए, लेकिन हमारा दीदिया का दिमाग सीधा नहीं चल सकता। बात और हमको समझ में नहीं आ। का समझ में नहीं आ रहा? अब तुमको समझाने के लिए स्कूल खोल ले। पढ़ने लिखने का काम रहने दो जीजा जी, काफी है खानदान में एक मास्टर। हमको ये समझाओ दीदिया कि नैना यहाँ काहे आ रही है, हजम नहीं हो रहा है। तू अपनी पाचन शक्ति के साथ साथ अपना दिमाग भी ठीक कर। बस ये सोच कि किस तरह नैना को पटाकर अपनी मुट्ठी में करना है। हम नैना को क्या पटाए? तू रहा बुद्धिहीन का बुद्धिहीन। हम तो ये समझाते हैं, देख नैना बहुत बड़ी गाने वाली हो गई है, उसका गाना सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, पैसा भी बहुत जमा होता होगा, तो पैसा उसके ससुराल में काहे जाए, यहाँ काहे नहीं आए? यहाँ पैसा कैसे आएगा जब वो यहाँ रहेगी और हम हर जगह उसके साथ साथ जाएंगे, समझा? तुम महान हो हमसे कहीं ऊपर हो तुम। अरे दादा इले पूरी खा सापास। क्या हुआ? देखो मैं, अगर आप इस तरह घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा? रोइए मत, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए? आप ही बताइए, हम कैसे शांत हो जाए जब घर के सब लोग हमसे नफरत करने लगे हैं, तो हम कैसे जी पाएंगे बोलिए। देखो नैना, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। और फिर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जो आज है वैसा कल नहीं रहेगा। हमारा कल तो हमारा साथ है ही नहीं, और जो आज है वो भी खतरा में पड़ गया है। हमको तो इस समझे में नहीं आ रहा है कि हम कहां आ गए हैं चलते चलते। चुप हो जाइए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब आप वापस यहां पर आएंगी ना, तो आपको यहां पर सब कुछ बदला नजर आएगा, सब कुछ ठीक ठाक नजर आएगा। अब चलिए, आप रोना बंद कीजिए और मुस्कुराइए। तो चलिए मुस्कुराइए, ये ऐसे मुस्कुरा के अपने घर जाओ। तुम दोनों भाइयों में बस एक ही बात खराब है, जानते हो का? क्या? अपनी कमी और खूबी का कौनो ज्ञान ही नहीं, किसी भी बात में मुंह चीर देते हो। तुम
तो देवी हो दिव्या, भगवान हो तू। तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहाँ बैठो यहाँ। बाबा बन के नहीं, माँ बन के प्रवचन देना चाहिए। अभी तक तो अपने घर सोना चांदी का हो जाता। अच्छा, तुम हमारा गुणगान कर रहे हो यहाँ? नहीं कर रहे हैं यहाँ, तुम्हारे तरफदारी के लिए तो खड़े हैं। ठीक है, एक कम से तरफदारी करें दीदिया। क्या है ना दीदिया, जो तुम कदम बढ़ा रही हो ना, संभल के बढ़ाना सावधानी से। नहीं ना, आप बड़े घर में चली गई है। जब इंसान बड़ा होता है उसका दिमाग भी बड़ा हो जाता है। बर्तन झाड़ू ये सब करने वाली नैना नहीं रही। आहिर दादा, कभी कभी तुम कितनी समझदारी की बात करते हो। अरे हमें विश्वास ही नहीं होता कि तुम हमारे भाई हो। माँ बोल रही थी कि तुम बचपन में मखलूल। नहीं मतलब समझा रहे थे कि नैना को ना कभी नहीं लगना चाहिए कि तुम अपने फायदे के लिए कुछ कर रही हो। तो हमेशा लगे कि उसके भविष्य, मतलब भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए कर रही हो, तड़प रही हो। तुम उसके लिए क्या कर रही हो? उज्जवल भविष्य। अब नैना को कभी नहीं लगना चाहिए कि तुम अपने फायदे के लिए कुछ कर रही हो। हमको शक होता है, अब प्यार जता पाओगे? हमको आदत तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आईने के आगे प्रूटिस कर लेंगे। शाबाश दीदिया, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। ऐसा अपने बात के जाल में फंसाओ कि उसको अपने ज्यादा तुम पे भरोसा हो जाए। हम दुनिया को सिखाते, तुम हमें उल्टा पढ़ा रहे हो। हमरे चमोकन चमोकन हमने प्यार से कहा, प्यार से। अरे हमरे खून हो तो हमरी चिंता तो करोगे ही। पगला गए हो का? ढिंढोरा पीटकर पूरी दुनिया को सुनाओगे का? हम तो खुशी में पगला रहे थे दुनिया। ज्यादा पगलाने की जरूरत नहीं, बस तुम देखते जाओ कि हम नैना हमारी बिटिया पर ऐसा जाल फेंकेंगे कि वो निकल नहीं पाएगी। मतलब शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। आउट चोइया कोई भी झूठा इंसान इंसान से तो झूठ बोल सकता है, पर भगवान से झूठ नहीं बोलता। इसलिए हम आपको इस पवित्र जगह पर लेकर आए हैं अपने मन की बात कहने के लिए कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं नैना। आपकी हर वो चाहत, हर वो खुश, हर वो सपना जो आप चाहती हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब हीरा को क्या पता होता है कि वो क्या है, उसका मूल क्या है, वो कितना अनमोल है। जीने का मकसद है हम आपसे प्रेम करते हैं, सच्चा। बात है भैया जी, हैं? किससे बातें कर रहे हैं? कमरे में तो कोई है भी नहीं। माफी किससे मांग रहे हैं? आइए बैठ। आपको क्या
डॉक्टर ने बोला नहीं। धीरे बोलना, ये आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दिखाइए ना बुखार के लिए। तो फिर इतने सुस्त क्यों है? क्या हो गया? कुछ नहीं बस। ऐसा कुछ नहीं भैया, हमें आपके बारे में सब पता है। यस, देवदास के रोल में चले गए आप, हैं? भाभी की याद आ रही है आपको, क्योंकि इतना उदास हमने आपको कभी देखा नहीं। क्या बात है बताइए। सच बताए राजा, नैना के मई के जाने का दुख नहीं है, उसको अपने माँ बाप और भाई बहन से तो मिलने जाना ही चाहिए। दुख है हमें अपने व्यवहार का, जो हमने नैना के साथ किया है, बिना किसी गलती के उसको डांट दिए, उसको मानसिक प्रताड़ना दिए, जबकि उसने ऐसी कोई गलती तो की ही नहीं थी राजबाबू। और आज जब वो यहां पर नहीं है, तो हमें हाथ में गिलानी हो रही है। बहुत बहुत अफसोस हो रहा है राजबाबू। शांत हो जाइए, यही जिसे हम अपना कहते हैं ना, उसी पे क्रोध आता है, उसी पे गुस्सा आता है, उसी के साथ हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें बाद में एहसास होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब वो अपना अपने पास नहीं होता है, तब उसके अपनेपन की याद आती है, तब उसके होने और ना होने का महत्व समझ में आता है। सब ठीक हो जाएगा, भौजी बहुत समझदार है, उनका दिल बहुत बड़ा है।